वजह से दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं
इजाजत नहीं देते। आदमी अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले, बल्कि दुनिया के तमाम मजाहिब ये कहते हैं कि शास्त्र का जो कानून है अल्लाह का दिया हुआ जो कानून है आदमी उसके पीछे चले, इसलिए कि आदमी जो भी कानून बनाएगा उस कानून के अंदर नक्स होता है, इसलिए कि खुद आदमी नाकिस है। जब आदमी ही नाकिस है तो उसकी सोच तो नाकिस रहेगी, लिहाजा किसी आदमी की थिंकिंग के बारे में 100% ये नहीं कहा जा सकता कि ये परफेक्ट है। और वैसे भी हर आदमी की थिंकिंग, उसकी फिक्र, उसकी सोच, उसके सोचने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। इसी वजह से दुनिया की भलाई इसी में है और सुकून भी इसी में है इंसानियत के लिए कि इंसानों के बनाए हुए कानून के पीछे न चल करके जिसने इंसान को बनाया है, जो इंसान की फितरत से वाकिफ है, उसके दिए हुए कानून को फॉलो करें। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई कि जहां उसने अपना रसूल न भेजा हो। ये रसूल भेजने की जरूरत इस वजह से पड़ी कि रसूल जो बोलता है अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, जबान उसकी होती है, बात अल्लाह की होती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى। मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता, वो जो बोलता है वो वही इलाही होती है, यानी जबान नबी की होती है, बात अल्लाह तआला की होती है। और दुनिया में अमन के कायम के लिए जरूरी है कि शास्त्र के कानून को तस्लीम किया जाए, उसके पीछे चला जाए। और आखिरी शास्त्र इस्लाम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा हुआ कानून। हिंदू मजहब की किताब है गीता, उसमें तो साफ कह दिया गया कि अगर आदमी शास्त्र के कानून को छोड़ करके अपने ख्वाहिश के पीछे चलता है तो न तो उसे दुनिया में सुख मिलेगा और न उसे मरने के बाद नजात और बख्शिश हासिल होगी। कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत सिर्ज वर्तते काम कारक न सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्राम गतिम। ये श्लोक है। यह माने जो, ये एक फिजिकल जबान है, खाली यह को जानने के लिए आदमी के सामने 27+27+27 इतने हरूफ होने चाहिए, तब जाकर के इसका माना समझ में आता है। खाली यह को देख लीजिए, यह यो ये यम यो यान एन याभ्याम ये यस्मे याभ्याम यब्बे यस्मात याभ्याम यब्बे यस ये यो यशाम यस्मिन ये यो यशु। 27 खाली मुजक्कर के, ऐसे ही मोहन्नस के 27, ऐसे नपुंसक मोहन्नस के लिए 27 हैं। यह माने जो, जो या शास्त्र विधि, शास्त्र के कानून को उत्सिर्जे छोड़कर, लिप्रते आगत आकर, सिर्जे छोड़कर, उपसिर्जे उत्सिर्जे छोड़कर, वर्तते वर्तते माने हो जाता है, होता है, काम कारत अपनी काम से, अपनी ख्वाहिश से काम करने वाला, शास्त्र की विधि को, शास्त्र के कानून को छोड़ करके जो आदमी काम कारता हो जाता है, अपनी ख्वाहिश से काम करने वाला होता है, तो न सिद्धि मवाप नोति, ना माने नहीं सामान्य वो, ये भी सहतौते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मे ताभ्याम ते तस्मा ताभ्याम ते तस तेरते शाम तस्मिन तेरते ईश्वर। तो न स, न वो, न वो सिद्धि मवाप नोति, न सुखम न पराम गति, न तो उसे बख्शिश हासिल होती है, न दुनिया का सुख हासिल होता है, और न मरने के बाद उसे पराम गति यानी नजात और बख्शिश हासिल होती है। देखो ये श्लोक ये बता रहा है
कि आदमी को शास्त्र के कवानीन को फॉलो करना है, ना कि काम के कवानीन को फॉलो करना। काम का अर्थ नहीं होना है, शास्त्र का अर्थ बनना है। काम का अर्थ नहीं, ममनू है कि कोई आदमी अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। अगर आदमी ऐसा करता है तो न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न प्राम गति, उसको न सुख मिलने वाला, न सिद्धि मिलने वाली, न प्राम गति मिलने वाला। और जब तक आदमी शास्त्र के कवानीन का मुत्तबे नहीं होता, अल्लाह के दिए हुए कानून को फॉलो नहीं करता, इंसान के जो हवास हैं, जिनको इंद्रियां कहा जाता है, ये कंट्रोल में नहीं रह सकती। शास्त्र के कवानीन ही आदमी के हवास को, आदमी के इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई भी इंद्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो डेंजर जोन में आ जाता है, डेंजर जोन में, अगर कोई भी इंद्री आउट ऑफ कंट्रोल हो। और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र के कवानीन है। एक बड़ी तपाई तमसील दी गई है गीता के अंदर, खुद तमसील, यदा संहरते चायम ऊर्मोंगानी सर्वशा इंद्रियाणी इंद्रियार्थे तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहां देखिए, यदा यदा माने जब, जैसे यदा यदा जब जब, तदा तदा माने तब तब, कदा कदा माने कब कब, यदा माने जब, कदा माने कब, कदा माने तब। यदा जब संहरते समेट लेता, हर माने समेट लेना, सब उत्सव है, तो संहरते समेट लेता है कौन, कछुआ। कूर्मा कहते कछुए को, अरबी में उसको सुलहफा बोलते, अंग्रेजी में उसको टॉर्टस कहते, कछुआ। कूर्मा का पर बड़ा ऊपर मात्रा, कू ऊपर रे, कूर और मा के आगे विसर्ग, कूर्मा कछुआ। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को खतरे के वक्त समेट लेता है सर्वशा तमाम तरफ से, अंगम अंगे अंगान, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, एक फल दो फल कई फल, तो अंगम एक अंग, अंगे दो अंग, अंग अंगे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो अंगान। जिस तरह कछुआ खतरे के वक्त अपने आप को चारों तरफ से समेट लेता है, जब तक इंसान अपनी इंद्रियों को इस तरह नहीं समेट लेता, तब तक उसकी प्रज्ञा, उसकी दानिश प्रतिष्ठित नहीं होती है। पंडित जी ने एक मिसाल दी बहुत अच्छी थी, कहने लगे कि कछुए को समझते हैं क्या होता है, कैसा होता है। कछुआ मुंडी अपनी बाहर निकाल लेता है और फिर पैरों को उठा करके चलता है, इसलिए कि मुंडी में आंख होती है, अगर मुंडी अंदर के रहे तो देखेगा कैसे, चलेगा कैसे। लिहाजा जब चलना होता है तो वो मुंडी बाहर निकाल लेता है और पैरों को उठा लेता है और चलता है, और जैसे ही देखता है कोई खतरा है फौरन मुंडी अंदर कर लेता है, पैरों को समेट लेता है, चाहे उसके ऊपर तलवार मारो चाहे डंडा मारो, उसको कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने एक वाक्य बयान किया, कहा कि एक लोमड़ी निकली, बड़ी भूखी थी, कई वक्त से उसे गोश्त नहीं मिला था, कुछ खाने को नहीं मिला था, उसने देखा कि कछुआ आ रहा है, मुंडी निकाले हुए पैरों को उठा उठा कर चल रहा है, खुश हो गई कि अब कछुआ ये मेरी जगह बनेगा और ये मेरे पेट के आग जलेगा। कछुए ने जब देखा कि लोमड़ी आ रही है, फौरन उसने अपनी मुंडी अंदर कर ली और पैरों को समेट लिया। अब लोमड़ी आ रही है, उसको उलट रही है, पलट रही है, पंजे मार रही है, लेकिन क्या होने वाला है, लेकिन फॉक्स इज द फॉक्स, लोमड़ी तो लोमड़ी होती है। उसने एक तरकीब सोची, कछुए को सीधा किया और आगे बढ़ करके उसके मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया। कछुए समझा बारिश हो रही है, मुंडी निकाला फौरन पकड़ लिया उसने। देखिए जैसे इंद्रियां बाहर हुई, इंद्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हुई, डेंजर जोन में आया, मारा गया। ऐसे ही आदमी जब तक अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किए रहता है, डेंजर जोन से बाहर रहता है, जैसे इंद्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हुई, डेंजर जोन में आ गया और मारा गया। ये आंख एक हादसा है, अगर आपने किसी की तरफ गलत अंदाज से देखा, जूता रखा, ये हाथ छूना, किसी औरत को छू करके देखे पराई औरत को कितनी मार पड़ती है बाजार के अंदर, आप तो सबूत लीजिए। कोई भी इंद्री बाहर हुई, आज भी डेंजर जोन में। यदा संहरते चायम ऊर्मोंगानी सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो आदमी जब अपने इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेता है, तब जाकर के उसकी दानिश, उसके आकल, उसका इल्म प्रतिष्ठित होता है, कायम होता है। बोला कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आदमी अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। खास तौर से शरीयत इस्लामिया में तो ममानियत है, कह दिया गया कि इत्तेबा करनी है जिंदगी के हर हर मामले में, तो मेरे रसूल की इत्तेबा करनी है, और जिसने मेरे रसूल की इत्तेबा की और इताअत की, समझो उसने मेरी इताअत की। मन युतिउर रसूल फकद
की इताअत दर हकीकत अल्लाह तबारक तआला की इताअत है। अल्लाह तबारक तआला ने रसूल को भेजा। अब ये तो कानून बताएगा, अगर इन कवानीन की इत्तेबा आदमी करता है तो दर हकीकत वो अल्लाह की इताअत करने वाला होगा। आदमी को अपने ख्वाहिश के पीछे चलने से मना कर दिया गया है, बिल्कुल मवाले बेजी। आइए अब इत्तेबा का मतलब समझ लेते हैं। इत्तेबा कहते हैं जिसको, रसूल की इत्तेबा का मतलब क्या? इत्तेबा को समझने के लिए एक हदीस पाक ध्यान में रखें। हदीस وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امراة من بني اسد يقال له ابو يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني عنك انك لعنت كيد وكيد فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقال لئن فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت في ما تقول قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتي أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا وقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاري في كتاب التفسير حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث کو آپ ویسے کتاب التفسیر کے اندر لائے رابعہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانے والی عورت پلکوں کے بال اکھاڑنے والی عورت اور اسی طریقے سے दांतों के दरमियान गेप कराने के लिए जो औरत कहीं जाती है ताकि वो खूबसूरत दिखे, या अल्लाह की तखलीक को बदलने वाली, अल्लाह ने मर्द बनाया था औरत बनने लगा, अल्लाह ने औरत बनाया था मर्द बनने लगी, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की खलकत को बदलना है, इन तमाम के ऊपर अल्लाह ने लानत फरमाई। कहते हैं ये फतवा जब एक औरत को पहुंचा जिसका नाम उम्मे याकूब था, दौड़ी दौड़ी आई, कहा कि सुना है आप इन्हीं औरतों के ऊपर लानत करते हैं, इन्हों बलगनी अन कान का लानत कई था वो कई था, आपने इसी तरीके से ऐसी ऐसी औरतों के ऊपर लानत की है, गोदरा गोदने वाली औरत, गोदवाने वाली औरत, ऐसा करने वाली औरत, ऐसा करने वाली औरत, इनके ऊपर आपने लानत की है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा वो माली मगर तुम ये जो मसला बता रहे हो कहीं नहीं है। हमारी औरतों को तो फैशन से फुर्सत नहीं है, एक औरत के सामने एक मसाला आया, उस मसले को चेक करने के लिए उसने पूरा कुरान पढ़ डाला और बाकायदा अब्दुल्लाह इब्न मसूद से बहस कर रही है कि तुम जो मसला बता रहे हो कहां है, बोले कुरान में। अरे बोले मैं पूरा कुरान पढ़ रही हूं लेकिन जो तुम मसला बता रहे हो तो कहीं नहीं है। लकद करात मा बैन लौहैन फमा वजदतु फी मा तकूल, मैं पूरा कुरान पढ़ रही हूं लेकिन जो तुम मसला बताते हो मसला है नहीं। तकलीफ कहां गई? सहाबी की तकलीफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और मर्द तो मर्द, औरत तकलीफ करने के लिए तैयार नहीं है। तकलीफ का मतलब यह है कि भाई कोई साहबी कोई मसला बता दे, कोई इंसान कोई मसला बता दे, चुपचाप मान लो बिना दलील के, यह औरत बिना दलील मानने के लिए तैयार नहीं है। यह कह रहे कुरान में, वो कह रहे कुरान में कहा है, मैं तो पूरा कुरान पढ़ गई हूं लेकिन यह मसला कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अल्लाहु अकबर, यह है तहकीक। इसका मतलब इस्लाम में तकलीद नहीं है, तहकीक है। और यह सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की सीरत से मालूम होता है। अभी एक बात और बयान करूंगा जिससे यह पता चलता है कि आंखें बंद करके किसी मसले को मान लेना शरीयत में इसकी सख्त मुमानियत है। तो इन्होंने कहा कि अरे मैं क्यों ना लानत करूं जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है और जो मसला किताबुल्लाह में। कहने लगी कहा है, लकद करा तुम्हारा बैन लौहैन, मैं दो दफ्तियों के दरमियान जो कुछ है यानी पूरा कुरान में पढ़ गई हूँ, फमा वजदतु फी मा तकूल, जो तुम बोल रहे हो कहीं है नहीं, मैंने पाया नहीं। अब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे
से पढ़ा है? अगर तूने गौर से पढ़ा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। लेकिन कुंत करा की है लकत वजत की है, अगर तूने गौर से पढ़ा होता तो तुझे मिल गया होता। इससे एक नुक्ता ही मालूम हुआ कि कुरान का पढ़ना दो तरीके का होता है, एक है सरसरी तौर से पढ़ना और एक है गहराई के साथ उसको पढ़ना। तूने गहराई के साथ नहीं पढ़ा है, सरसरी तौर से तूने उस मसले को चेक करने के लिए कुरान हकीम को पढ़ा है। लेकिन कुंत कराती है लकत वजती है, अगर तूने पढ़ा होता है गौर से पढ़ा होता तो तुझे वो मसला जरूर मिल गया होता। कहा कहा है? कहा कि अमा कराती वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अभी हाफिज साहब ने तारी साहब ने जिस सूरह करीमा के आखिरी आयत तिलावत की उसी में है ये आयत। कहने लगे क्या तूने सूरह हश्र की आयत नहीं पढ़ी? वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो तुझे दे वो ले लो और जिस चीज से रोक दो उसे रुक जाओ। कहा हाँ ये आयत तो है, काबिर अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोक दो उससे रुक जाओ। जब अल्लाह के रसूल ने इन औरतों के ऊपर लानत किया तो समझो वो कुरान में है, इसलिए कि कुरान ने खुद कह रहा है रसूल जो कुछ तुम्हें दे दे उसे ले लो, जिस चीज से रोक दो उससे रुक जाओ। गोया कि वो चीज कुरान हकीम में है। अल्लाहु अकबर। ये है सही हदीस, अगर सही सनद के साथ आ जाए तो उसका मुकाम। यहां इत्तेबा का मतलब मालूम हुआ क्या? कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से मना कर दे उसे रुक जाओ। दैट इज कॉल्ड इत्तेबा। और मैंने हदीस पाक से इत्तेबा का मफहूम बताई नहीं है। जी चाहता है एक और रिवायत आपके सामने में रखें। हदीस इसका वान अभी अम्मार कॉल قلت لجابر رضي الله تعالى عنه الزبو أصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الترمذي في كتاب الحج حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے راوی حضرت ابو عمار ہیں حضرت ابو عمار کہتے ہیں میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا یہ مشہور صحابی حضرت جابر یہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو 1000 سے زائد حدیث रिवायत करने का शरफ हासिल है। जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू हुरैरा हैं, उन्हीं के सफ में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह भी। तो हजरत अबू अम्मार कहते हैं कि चूंकि इतने बड़े सहाबी थे ये हजरत जाबिर, मैं उनके पास एक मसला दरियाफ्त करने के लिए आया और कहा कि हजरत एक मसला पूछना है। कहा कि पूछो। कहा कि बिज्जू के बारे में आप ये बताइए क्या वो शिकार है? बिज्जू एक होता वब गो, वो तो जायज है। ये जब के बारे में, गो के बारे में, जबून ये बैजर बिज्जू के बारे में, अंग्रेजी में उसको बैजर बोलते हैं, बिज्जू। तो बिज्जू खाना कैसा है? क्या वो शिकार है? ना, शिकार कर सकते हो। अभी रुके नहीं, कह रहे हैं कि काल अकुल तू आकुल हुआ, क्या मैं उसको खा सकता हूं? काल ना, क्या खा सकते हो? अब तो मान लेना था। अब ये पूछ रहे हैं काल अकुल तू अकारहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा? काल ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तब जाकर के उनका जो सवाल का सिलसिला था वो रुका। इसका मतलब ये कि आंखें बंद करके मान लेना किसी आदमी की बात, ये मकाम सिर्फ रसूल का है। रसूल के अलावा किसी की बात को भी, चाहे वो सहाबी की हो, आंखें बंद करके तस्लीम नहीं किया जा सकता। कहां रहेगी तस्लीम? हालांकि इन्होंने पहले सवाल ये किया कि बिज्जू शिकार है या नहीं, उन्होंने कहा हाँ शिकार है। कहा कि क्या मैं उसको खा सकता हूं? बोले हाँ खा सकते हो। अब तो रुक जाना था। कह रहे हैं ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हो, अकालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही है? उन्होंने कहा कि हाँ ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। तब जाकर के उनके सवाल का सिलसिला रुका। पता ये चला कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऐसा है कि आपकी ज़बाने मुबारक से कोई बात निकली फौरन उसको तस्लीम कर लिया जाए बिला हील हुज्जत के। और ये मकाम जो रसूल का मकाम है, किसी और को नहीं दिया जा सकता कि किसी और की बात को रसूल के अलावा आंखें बंद करके बिला छुओ छूरा तस्लीम कर लिया जाए, चाहे वो पीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे इमाम हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी शख्स की बात को बिला तहकीक तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसी का नाम इत्तेबा है।
एक बात और बता दूं कि अगर किसी मामले में आपने नबी की बात का उल्टा कर दिया तो वो चीज होगी ही नहीं, कोई इबादत ही नहीं होगी। दलील दलील की हदीस पाक, बहुत प्यारी हदीस है, 700 रुपए की। وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسقت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي أناقا جزعة وهي خير من شاة لحم هل تجزرني قال نعم ولن تجزي عن احد بعد رواه ابو داود في كتاب الزهايا حضرت امام ابي داود كتاب الزهايا کے اندر ابو داود شریف کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے ہے پورے صفحے کے اوپر یہ روایت تھی میں نے پوری پڑھ دی حضرت بارا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کا خطبہ نماز کے بعد دیا پہلے نماز پڑھائی بعد میں خطبہ دیا کوئی آدمی اگر الٹا کر لے تو نہ خطبہ ہوگا نہ نماز ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوگانہ کے بعد خطبہ دیا ایک سنت تو یہ اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی نماز کے بعد تقریر کے اندر یہ آپ نے کہا من صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری نماز پڑھی پتہ یہ چلا کہ رسول کی جو نماز ہے وہی چلے گی کسی پیر کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے کسی فقیر کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے کسی امام کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے نماز محمدی چلے گی من صلی اللہ صلاۃ جس نے ہماری نماز پڑھی چاہے کوئی بھی نماز ہو جنازے کی نماز ہو عید کی نماز ہو بقرعید کی نماز ہو فرض نماز ہو نفل نماز ہو نبی کے طریقے پر ہونا وہ ہماری نماز من صلی اللہ صلاۃ جس نے ہماری نماز پڑھی وہ نسک نسکنا اور ہماری طرح قربانی کی جس طرح ہم نے بتایا ہے اس طرح قربانی کی فقط اصاب النسک تو سمجھو اس کی قربانی ہوئی ومن نسک قبل الصلاۃ فتلك شاۃ لحم اگر کسی نے نماز سے پہلے خطبے سے پہلے قربانی کر دی تو وہ گوشت کی بکری ہے شاۃ لحم گوشت کی بکری ہے قربانی نہیں ہے گوشت کی بکری ہے یہ سن کر کے ایک صحابی حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا کہا کہ کیا کہا کہ میں نے ایسا سوچا کہ نماز سے پہلے بکرا ذبح کر لوں اور جب تک نماز پڑھوں گا آپ کا خطبہ ہوگا تب تک گوشت تیار ہو جائے گا اور آپ کو ملنے چل کر کے کھلا دوں گا اللہ کے رسول میری نیت بڑی اچھی تھی آپ کو کھلانا پڑوسیوں کو کھلانا خود کھانا یہ میری نیت تھی اے اللہ کے رسول میں نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی فقام ابو برد بن نیار فقال یا رسول اللہ والله لقد نسقت قبل ان اخرج الى الصلاه نماز کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے قربانی کر ڈالی ہے وعرفت اور میرا خیال یہ تھا ان اليوم اكل يوم اكل وشرب کی آج کھانے پینے کا دن ہے کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے نماز سے پہلے نماز کے بعد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلك شاة لحم قربانی نہیں ہوئی یہ گوشت کی بکری ہے قربانی ہوئی ہی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا کروں کہا کہ تیرے پاس کوئی بکری بکری ہے کہا کہ اللہ کے رسول لیکن وہ داتی نہیں ہے ایک سال کی ہوگی لیکن دو بکریوں کے برابر چلے گی وہی خیر من شاة لحم گوشت کی دو بکریوں کی طرح ہے یعنی اچھی خاصی موٹی ہے تو اللہ کے رسول کی کافی ہو جائے گی اگر میں بعد میں کروں تو کہا کہ ہاں لیکن آج کے بعد کسی اور کے لیے تیرے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی اگر کی جائے تو دانتے جانور کی جائے مسنہ کی جائے اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ عبادت نہیں عادت ہے پتہ یہ چلا کہ سنت ہی عبادت اور عادت کو متعین کرتی ہے اگر وہ طریقہ سنت کے مطابق تب تو عبادت ہے سنت کے خلاف اور اس میں نبی کی اتباع ہو وہ عادت ہے اس کا مطلب ہے عبادت اور عادت کو ممیز کرنے والی چیز اتباع رسول ہے اگر رسول کی اتباع ہے کسی عمل میں تو وہ عبادت ہے اور کسی عمل کے اندر رسول کی اتباع نہیں ہے تو وہ عادت ہے یہ فرق ہے عادت اور عبادت میں اگر کسی عمل میں آپ نے
रसूल की इत्तेबा नहीं की तो वो आदत है, और किसी अमल में आपने रसूल की इत्तेबा की तो वो इबादत है। जैसे यहां इन्होंने कुर्बानी नमाज से पहले कर दी, इसमें रसूल की इत्तेबा नहीं थी तो वो कुर्बानी नहीं, इबादत नहीं हुई, बल्कि वो आदत हो गई, गोश्त की बकरी हो गई। ऐसे ही रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज ना हो तो नमाज नहीं है, वो उठक बैठक है। वो जी उठक बैठक है। अगर कुर्बानी नबी के तरीके पर न की गई तो वो कुर्बानी नहीं है, इबादत नहीं है, गोश्त की बकरी है। तो ऐसे ही अगर नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक ना हो तो वो दंड बैठक है, उठक बैठक है, नमाज कता नहीं। इसलिए कि इत्तेबाए रसूल मुतय्यन करती है कि कौन सी चीज आदत है और कौन सी चीज इबादत है। बात समझ में आई? ये है इत्तेबाए रसूल के लिए। कहते हैं रसूल अगर न किया जाए नमाज हो जाएगी। मैं ये पूछता हूं, अगर बकरीद की नमाज से पहले बकरा जबा कर लिया जाए तो कुर्बानी हो जाएगी? बोले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि रसूल के तरीके के खिलाफ है। लिहाजा रसूल ने अगर रफुल यदैन किया है नमाज के अंदर, अगर नमाज में रफुल यदैन आपने नहीं किया तो नमाज कैसे हो सकती है? सीधा सा मसला है, सीधा सा मसला है। और ये मैं नहीं कह रहा, एक सहाबी का तबसरा भी चुका। दलील दलील ये हदीस पाक वान हुज़ैफा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت واصبح قال لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب الاذان حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لایا ہے حضرت حذیفہ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بالکل پرفیکٹ نماز پڑھ رہا ہے صرف ایک گڑبڑی کر رہا ہے لا يتم ركوعه ولا سجوده صرف رکوع سجدہ برابر نہیں کر رہا ہے بس جلدی سے رکوع کر لے رہا ہے اور جلدی سے सजदे कर ले रहा है, रुकू और सजदे बराबर नहीं कर रहा है। ला युतिम रुकू और सुजूद, रुकू और सजदे बराबर नहीं कर रहा है। जब वो नमाज खत्म कर चुका तो हजरत हुज़ैफ़ा ने उसको पूछा, हजरत क्या कर रहे थे? बोले नमाज पढ़ रहा था। बोले मा सल्लैता, डायरेक्ट इनकार कर दिया, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वासिबु कर, और ये फरमाया लव मुत्ता मुत्ता अला गैर सुन्नत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू ऐसी नमाज पढ़ते हो मर गए तो कम से कम तेरी मौत सुन्नत रसूल पर तुम्हें होगी। अब बताइए, वो एक ही गड़बड़ी कर रहा है, बकिया नमाज सही पढ़ रहा है, सिर्फ इतना कर रहा है कि वो रुको सजदे बराबर नहीं कर रहा है। डायरेक्ट हजरत हुज़ैफ़ा ने कहा जमा सुन लेगा, उन्हें नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर नमाज के अंदर किसी भी अमल के अंदर अगर रसूल की इत्तेबा नहीं है तो वो चीज होती ही नहीं है। रसूल की इत्तेबा अमल को मुतय्यन करती है कि यह इबादत है या आदत है। अगर अमल में रसूल की इत्तेबा है तो इबादत, रसूल की इत्तेबा नहीं है तो आदत। और एक नुकता और मालूम हुआ, नीयत अच्छी होने से अमल अच्छा नहीं होता। इनकी नीयत अच्छी थी, उन्होंने कहा अल्लाह रसूल मेरी नीयत ये थी, मेरी नीयत ये थी। इसका मतलब आदमी की नीयत, आदमी की ख्वाहिश से कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है। आदमी नीयत कर ले किसी चीज के बारे में तो उसकी नीयत से वो चीज अच्छी बुरी नहीं होती, बल्कि अल्लाह के रसूल की इत्तेबा बताइए करती है कि वो चीज अच्छी या बुरी। आदमी की नीयत से कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, ये भी याद रखिए। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम किस तरीके से इत्तेबा करते थे, आइए मंत्र देखिए। हदीस وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود رواه ابو داود في كتاب الصلاه حضرت امام ابي داود اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاه کے اندر لائے راوی حضرت جابر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز के लिए आए और आप खुतबे के लिए खड़े हो गए। खुतबे में तकरीर करते हुए आपने कहा इजलिसु बैठ जाओ, तकरीर के दौरान आपने कहा इजलिसु बैठ जाओ। किसी आदमी के बारे में नहीं कहा कि तू बैठ जा तू बैठ जा तू बैठ जा, बस तकरीर के दौरान ऐसा जुमला आया कि बैठ जाओ, तो आपकी जबान मुबारक से निकला बैठ जाओ। जब ये जुमला निकल रहा था आपकी जबान मुबारक से, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद में दाखिल हो रहे, एक पैर मस्जिद के अंदर था एक पैर मस्जिद के बाहर था। फसमिया दालिका इब्न मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला इब्न मसूद ने सुना इजलिसु, फजलस अला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पर बैठे।
फजलसा अला बाबिल मस्जिद, सुनना था कि मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा मस्जिद के दरवाजे पर कौन बैठा, फरमाओ रसूल अल्लाह अरे अब्दुल्लाह बिन ताज अब्दुल्लाह बिन मसूद, अरे अब्दुल्लाह बिन मसूद आ गया लो, क्या बात वहां बैठ के कहा कि अल्लाह के रसूल मस्जिद में दाखिल हो रहा, अचानक मेरे कानों में जुमला आया इजलिसु, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाऊं, जहां मैंने सुना वहीं पर मैंने अमल किया, यह है सुनना और अमल करना। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया सूरह नूर के अंदर कि मोमिन का तरीका क्या होना चाहिए, वो बताया इन्नमा कान कौल अल मुमिनीन इदा दुउ इला अल्लाह व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। मोमिन एक ही बात बोलता है, इन्नमा कान कौल अल मुमिनीन एक ही बात होता है, कब इदा दुउ इला अल्लाह व रसूलिही, जब से अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, मोमिनीन को जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, एक बात तो ये कही गई कि बुलाना हो दावत देना हो तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, तो कोई किताब बैठे हो मत पढ़ो, अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाओ, किसी शख्सियत की तरफ नहीं, किसी किताब की तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ दावत दो, इदा दुउ इला अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की तरफ जब बुलाया जाए और जब ताजा कुरान की तरफ आओ हदीस की तरफ आओ, तो मोमिन एक ही बात बोलता है अन यकूलू समिअना व अताना, हमने सुना और सुनने के बाद फौरन इताअत की, सुना और इताअत की। इसके बाद खिलाफ यहूदियों का तरीका क्या है, अल्लाह तबारक तआला ने यहूदियों का तरीका बताया मिनल्लजीन हादू युहर्रिफून अलकलिमा मवादिही व यकूलून समिअना व असैना, ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहूदियों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो बात को उसकी जगह से हटा देते हैं, मसाइल में तहरीफ कर डालते हैं, आयात में तहरीफ कर डालते हैं, वो यकूलून और ये बोलते हैं समेना वा सैना, हमने सुना और इनकार किया। तो जब यहूदियों का तरीका यह है कि अपने नबी की बात के बारे में कहते हैं कि हमने सुना और तुम्हारी बात का इनकार किया, तो यहूदियों की रविश पर न चलना, मेरा रसूल जो बात बोले तो ये कहो कि हमने सुना और हमने इताअत की, अगर ये कहोगे कि हमने सुना और इनकार किया तो ये तरीका तो यहूदियों का है, तुम्हें तो यहूदियों के तरीके के खिलाफ कर रहा है, यहूदी ये कहते हैं कि रसूल ने जो कहा हमने उसका इनकार किया, तुम यहूदियों के खिलाफ चलते हुए बोलो कि हमने रसूल की बात सुनी और हमने इताअत किया, यकूलू समिअना वा अताना, देखिए उन्होंने की जुलूसु सुना बैठ जाओ दरवाजे। आदमी को किसी चीज से मना किया जाए भूल जाता है, लेकिन अगर कोई चीज आदत बन जाए जल्दी नहीं छूटती, जैसे आदमी को सिगरेट पीने की आदत हो जाए नहीं छोड़ता, बीड़ी पीने की आदत हो जाए नहीं छोड़ता, तंबाकू खाने की आदत हो जाए नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक तआला हालांकि इन तमाम किल्लतों को छोड़ने का मौका देता है, साल भर में एक महीना देता है, अगर आप 12 घंटे तुलुए फजर से सहरी से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक, तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक 12 घंटे तक अगर आप रोजे से हैं और आप सिगरेट नहीं पीते, परहेज करते, बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, तो बकिया 12 घंटे तो सब्र कर सकते हैं ना। और इस तरह अल्लाह रमजान का महीना देकर के रोजे देकर के रमजान के इंसान की पूरी इल्लतों से उसको पाक रखने का मौका देता है। लेकिन यहां देखा गया हम तो गांव से हैं विलेज से हैं, दिन भर भुट्टा तंबाकू नहीं खाए, लेकिन जैसे ही इफ्तार करने के बाद मस्जिद से निकला तनी बहुत ठोको तो यानी तंबाकू हाथ में लेकर के जरा जस करके जरा ठोको तो तनी बहुत ठोको, अरे 12 घंटे तक तू इन चीजों से महफूज रहा, बाहर निकलते ही तनी बहुत ठोको तो क्या मतलब है इसका, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया था, वो मौका से रवा दिया, कोई वो खड़ा होकर के बीड़ी पी रहा है, कोई खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा है, और तंबाकू खाने के बाद जब फूटा हुआ तो मुर्गी का मुंह हो, लेकिन मुर्गी के मुंह से इस तरह नहीं करता, हालांकि जितना बुरा उसका मजहब होता है उसकी शक्ल कैसी होती है, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आदमी को अगर किसी चीज की
लत हो जाए, और खास तौर से सिगरेट छोड़ सकता है, बीड़ी छोड़ सकता है, तंबाकू छोड़ सकता है, शराब की लत जिसको लग जाए नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। लेकिन साहब इकराम को देखिए, बहुत आदत बन गई थी, शराब उनकी घुटनियों में पड़ी हुई थी। लेकिन जरा इत्तेबा देखिए, हदीस हदीस بان انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب من فضیخ ذهب و تمر فجاءوا قائلا فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قم یا انس فاحرق فاحرقتها رواه البخاری في كتاب الاشربہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الاشربہ کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کبھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی मैं अबू तलहा के घर में था, वहां हजरत उबै इब्ने काब मशहूर कारी कुरान हजरत उबै इब्ने काब मशहूर जनरल हजरत अबू उबैदा और इसी तरीके से हजरत अबू तलहा ये सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं सबको शराब पिला रहा हूं। तो अस्की अबा उबैदा व अबा तलहा व उबै इब्ने काब इन तमाम सहाबे کرام को मैं शराब पिला रहा हूं, सब पी रहे हैं और खजूर की शराब है, खजूर की शराब من فضیخ ذهب و تمر جو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ذهب اور تمر ایک کی شراب تھی جو بہت اچھی شراب مانی جاتی ہے پی رہے تھے سب پر پلا رہا تھا اچانک ایک آدمی آتا ہے کہتا ان الخمر قد حرمت نبی پر آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب آج سے حرام ہے فوراً حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اے انس اٹھو ये सुराहियां पूरी की पूरी ले जा करके गली में उड़ेल दो और ग्लास के अंदर जो शराब बची थी ऐसा उन्होंने कहा कि गिलास खत्म कर लिया जाए, पी लिया जाए। फौरन हजरत अबू तलहा ने कहा कुम या अनस फअहरिकहा, ऐ अनस उठो सुराहियों के अंदर जो शराब है गिलास के अंदर जो शराब उसे बाहर फेंक दो। फअहरक्तुहा, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने सारी शराब उनके कहने पर बांध दी। अल्लाह हू अकबर, देखिए आदत है, शराब भुट्टी में पड़ी हुई है, लेकिन नबी की बात आई कि नबी के ऊपर आयत उतरी है, नबी ने फरमा दिया इन खबर का छोड़ मत, शराब आज से हराम है। आदत को उन्होंने पेश नजर नहीं रखा और फौरन हुक्म ये दिया हजरत अनस को कि ले जाकर के शराब बाहर फेंक दो। ये इत्तेबा, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब नमाज के लिए खड़े होते तो पहला किबला बैतुल मुकद्दस था, तो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, इस तरह खड़े होते कि काबा के सामने होते। लेकिन जब आप मदीना आ गए तो ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो गए, अब एक ही समत में दोनों किबले नहीं हो सकते। लेकिन आपकी तमन्ना यह थी कि किबला बदल दिया जाए और बैतुल मुकद्दस किबला ना रहे, बैतुल हराम को किबला बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आप इस तमन्ना को शरफ कबूल बख्शा और किबला बदल दिया है। ये पस मंजर है, अब देखिए यह हदीस पर, हदीस पर देखिए हदीस। وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقبائن إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبه رواه مسلم في كتاب المساجد حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب المساجد کے اندر ہے مسلم شریف کے اندر راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے بین من الناس کی صلاۃ صبح کو قباء مسجد قباء میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلۃ وقد امر ان يستقبل الكعبۃ رات میں نبی کے اوپر آیت اتری ہے کہ قبلہ بیت المقدس نہیں قبلہ بدل دیا گیا ہے اب خانہ کعبہ قبلہ ہے تو نماز میں لوگوں نے سنا باہر سے آدمی نے جو کہا اس وقت لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے وہ سوچ سکتے تھے کہ نماز ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلی نمازیں جو ہوں گی وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی جائیں گی انہوں نے تاخیر کی نہیں فوراً فاستقبلوها نماز ہی کی حالت میں وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے وکانت وجوہم الی الشام ان کے چہرے شام کی طرف تھے یعنی بیت المقدس کی طرف فاستقبلوا فاستداروا للکعبہ وہ کعبے کی طرف پھر گئے انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ یہ نماز ختم کر لے اس کے بعد اگلی نمازیں کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائیں گی انہوں نے نماز ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی
इज्तिमा की बात आई तो उन्होंने ताखीर नहीं की, जैसे ही बात कान में पड़ी फौरन उसके ऊपर अमल किया। यह है ये सुनना था और फौरन नमाज में काबा की तरफ घूम जाना ये अकाना था। कैसे घूमे वो इमाम? घूमा दाएं साइड से और मुक्तदी घूमे बाएं साइड से, ऐसे ही घूमे, इसलिए कि ऐन अपोजिट में जा रहा है ना। अगर शाम इस तरफ है तो मक्का इस तरफ है, तो इमाम घूमा दाहिनी तरफ से, बाएं तरफ से, मसलन अगर यूं यूं हम खड़े हैं ऐसे, तो अब हमें उस तरफ मुंह करना है, तो इमाम घूमा बाएं साइड से अपने बाएं साइड से और मुक्तदी घूमे अपने दाएं साइड से। यूं इमाम घूम करके अपने बाएं साइड से ऐसे घूम करके यहां खड़ा हो गया जहां मुक्तदी थे, और मुक्तदी अपने दाएं से घूम करके ये इमाम की जगह आ गए। तो वो कह रहे जुजूर मिले शाम फस्तदार मिले काबा, उनके चेहरे शाम की तरफ थे, वो काबे की तरफ फिर गए। तरीका ये था कि इमाम घूमा अपने बाएं साइड से और मुक्तदी घूमे अपने दाएं साइड से, इस तरह इमाम घूम करके मुक्तदियों की जगह पर आ गए, मुक्तदी घूम करके इमाम की जगह पर आ गए। ये मतलब हुआ हदीस पाक का, वो कह रहे जुजूर मिले शाम फस्तदार मिले काबा, ये बाएं और दाएं, ये याद रखिएगा कि कैसे घूमे वो लोग। इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि सुनते ही फौरन इताअत की जाए। समेना वापा, समेना वापा, विषय का है। एक और रिवायत आपके सामने पेश करूं, और अजीब गरीब और बहुत ही तरह रिवायत है हदीस हदीस का। वान अबी सईद अल-खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلان عليه فوضعهما عن يساره فلما راى القوم ذلك القوا رعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القيت نعالكم قالوا رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيه ما قدر وقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في ناره قدرا او اذن فليمسحه ويصلي فيهما رواه ابو داود في كتاب الصلاه حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاه کے اندر لائے ہیں رابی حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے تھے इसका मतलब ये हुआ कि जूते पहन करके नमाज पढ़ना जायज है। अब कोई ये ना करे कि गंदगी भी लगी वो कैसे भी जूते पहन करके आदमी यार चटाई बिछी हुई है इसके अंदर आकर के पढ़ने लगे, नहीं जूते उतार दे वहां। अगर हाँ कुछ बिछा नहीं है और मस्जिद कच्ची है तो आदमी आए और जूतों के साथ नमाज पढ़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहन करके नमाज पढ़ा रहे, पीछे सहाबे कराम जूते पहन कर इस्तेदा कर रहे हैं, अचानक नमाजी की हालत में आपने अपने जूते उतार दिए और निकाल करके बाएं साइड में रख दिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जूते निकालने की जरूरत पड़ जाए नमाज की हालत में तो जूते उतार के किस तरफ रखेंगे, दाएं साइड में नहीं बाएं साइड में। फवाबाहुमा ये सारे, और इससे एक मसला ही मालूम हुआ कि अगर किसी आदमी ने जेब में मोबाइल रख रखा है और इत्तेफाक से स्विच ऑफ करना भूल गया और किसी ने रिंग किया और रिंग टोन बजने लगी तो उसको बजने ना दे बल्कि उसको जेब से निकाले और उसके बाद इसको स्विच ऑफ करके फिर जेब में रख ले। अगर दोनों आदमी छोड़ दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी नमाज फासिद नहीं होती। आदमी दोनों हाथ छोड़ दे तब भी नमाज उसकी फासिद नहीं होती। हाँ जेब से मोबाइल निकाल करके स्विच ऑफ कर देखते ना बैठे कि किसने फोन किया और उसको स्विच ऑफ करके जेब में रख ले, इससे नमाज फासिद नहीं होती। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतारने के लिए ये निकाला तो यूं निकाला, निकालने के बाद उसको बाएं साइड में रखा, इतनी देर में तो आप मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतार दिए नमाज की हालत में और बाएं साइड में रख लिया। सहाबे किराम ने पीछे देखा कि आपने नमाज की हालत में नमाज ही में जूते उतार के बाएं साइड रखे, तमाम लोगों ने अपने जूते उतार करके बाएं साइड रख लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज खत्म की फलम्मा कदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात قال ما حملكم على القائكم نعالكم तुमने अपने जूते क्यों उतारे, बड़ा प्यारा जवाब दिया उन्होंने। قالوا رأينا القائدنا عليه فالقينا نعالنا, ऐ हमारे रसूल हमने आपको जूते उतारते देखा अपने जूते उतार, हम क्या नहीं जानते क्यों नहीं जानते कैसे व्हाट व्हाई हाउ ये हम नहीं जानते क्यों क्या कैसे, ऐ अल्लाह के रसूल हमने आपको जूते उतारते देखा बस हमने जूते उतार दिए।
फरमा अरे भाई मेरे जूते उतारने की वजह थी। क्या अल्लाह के रसूल? कहा कि नमाज ही की हालत में जिब्राइल आए, इन जिब्राइल अलैहि सलाम अतानी फाखबरनी अन्न फीहिमा कदरन। जिब्राइल आए नमाज की हालत में और मुझे ये बताया कि आपके दोनों जूतों के अंदर गंदगी लगी हुई है। एक मसला अकीदे का मालूम हुआ कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, इसलिए कि अगर गैब का इल्म होता तो आप गंदे जूते पहन करके नमाज पढ़ने के लिए क्यों खड़े होते? जिब्राइल अलैहि सलाम ने आकर के बताया तब आपको इल्म हुआ। इसका मतलब है नबी को अल्लाह जब जिब्राइल के जरिए इल्म देता है तब नबी को मालूम होता है, आप गैब का इल्म नहीं रखते। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस भी मौजूद है कि आपको गैब का इल्म नहीं था। दो मसले उस हदीस में बयान किए गए। अभी रुक जाइए इस हदीस के ऊपर, एक बात को प्रूव करने के लिए दूसरी हदीस। हदीस इस तरह वान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा قالت من حدثك ان محمد العرب فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاري في كتاب التوحيد। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस पाक वैसे किताब तौहीद के अंदर राविया हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत आयशा फरमाती है कि जो तुमसे ये बयान करे कि नबी ने मेराज में अल्लाह को अपनी आंखों से देखा वो झूठ बोलता है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह की बिल्कुल अफसान, मरने से पहले कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता। देखो नबी को कभी जो दुनिया में आंखों से दिखाई दे जाए वो माबूद कैसे हो सकता है? वो लतीफुल खबीर वेदों के अंदर भी भगवान को नहीं देख सकता। पता नहीं कैसे लोग वेदों के अंदर सारी चीजें मौजूद होते हुए भी शिर्क पे जमे हुए। यच्चक्षुषा न पश्यति एं चक्षुषि पश्यति तदैव ब्रह्म त्वं विद्धिनेदं यदिदम् उपासते। रह गया के जिसको आंखें नहीं देख सकते, चक्षु माने आंख, यत जिसको, यत जिसको आंखें, पश्य माने देखना, जिसको आंखें नहीं देख सकती यच्चक्षुषा न पश्यति, हाँ उसके द्वारा आंखें देखी जाती हैं। तो उसी को तुम ब्रह्म मानो जो दिखाई नहीं देता। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाया लात तुदरी कुल अफसार, उसे आंखें नहीं देख सकती, जो दिखाई दे जाए वो अल्लाह का है। लात तुदरी कुल अफसार वो लतीफुल खबीर, हाँ जन्नत में अल्लाह दिखाई देगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही, उसकी तरफ से इंशाल्लाह फिर कभी। तो मैं हद्दत का अन्न मोहम्मद अरब वक्त कर जो तुमसे ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने मेराज में अपनी आंखों से अल्लाह को देखा वो झूठ बोलता है, इसलिए कुरान की आयत इसके खिलाफ है। आदमी को रफ्तार से आंखें नहीं देख सकती। और मैं हद्दत का अन्न उजाला को गए तुमसे ये कोई कहे कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था फकत तरह वो भी झूठ बोलता है, इसलिए किया है कि कुरानी आयत खिलाफ है। ला यालिकु गैब इल्ला अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं। देखिए हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने आकर के बताया कि आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है, अगर आपको गैब का इल्म होता तो गंदे जूते पहन करके आप नमाज के लिए क्यों खड़े होते? और हजरत जिब्राइल आकर के बताया था आपने जूते उतारे, वो भी नमाज की हालत में उतारे। उसके बाद आपने फरमाया तुम में से कोई जो मस्जिद में आए तो देख ले, अगर उसके जूते में गंदगी लगी हुई है बाहर उतार दे, और अगर जूतों में गंदगी नहीं लगी है जूते उतारते देखा सवाल नहीं किया, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतारे थे बगैर किसी पुरुष के किसी सवाल जवाब को लोगों ने किया। यह है अन समय नवाता, इसी का नाम इतवा है। साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने यह बताया इत्तेबा करके, इत्तेबा इसको कहते हैं बड़े से बड़ा अमल को, लेकिन अगर तरीके रसूल के खिलाफ हो तो वो अमल अकारत हो जाता है, गुनाह बन जाता है। नमाज भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया अगर ना पढ़े, कुछ ज्यादा कर ले, कम कर ले, अपनी मर्जी से कुछ घटा बढ़ा ले, उससे नमाज नहीं होती, रोजा नहीं होता, कोई और इबादत नहीं होती। दलील दलील यह हमसे बात वन ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة طرحة الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروك انهم تقالون فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فان اصلي الليل ابدا وقال الاخر اما انا انا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا والله اما والله اني لا اخشاكم لله
उन्होंने ये पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत क्या होगी, बाहर की बात नहीं, बाहर तो मस्जिद के अंदर सब देखते थे आप क्या पढ़ते क्या नहीं, घर की इबादत क्या हो पूछने हैं। यस अलूना इबादत ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी घर में इबादत किस तरह करते हैं, क्या क्या करते हैं। फलम्मा उखबिरु, जब उन्हें बताया गया तो कानू तकाल हुआ, उन्होंने उसे कम समझा और ये कहा रे हम कहां नबी कहां, नबी को तो अगले पिछले गुनाह माफ है, गुफरे रहो माता का कदम में नबी माता आकर, अगर आप कम भी इबादत करें तो चलने वाला है, आपके अगले पिछले गुनाह माफ है, लेकिन हम तो नबी नहीं, हमको ज्यादा अमल करना चाहिए। तो एक कहने लगा अम्मा आना रहा मैं, तो अब मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा सोऊंगा नहीं। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजे ही रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा मैं बाल बच्चों के झंझट ही नहीं पालता, मैं औरतों के करीब में जाता हूं तो शादी नहीं करता। ये तीन बातें कह करके वापस आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब घर आए तो बीवियों ने कहा कि वो ऐसा कह करके गए हैं। आप उनके पास आए, फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैही, अल्लाह के रसूल उनके पास आए और फरमाया अंतुम लदीना कुलतुम कलाम, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा। देखो एक मुआशरे का एक बड़ा अच्छा कानून मालूम हुआ, हम लोग क्या है कौवा कान लिए जा रहा है तो कान को देखने से पहले कौवे के पीछे भागने लगते, गलत है ये, किसी ने कोई बात लगा दी आदमी उसके ऊपर फौरन अमल कर लेता है ना। यहाँ बताया गया समाज का एक अहम मसाला कि कोई बात सुनने में आए तो पहले साहिब मामले से जाकर बात कर लो कि ऐसा है या नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में ये बात आई कि तीन आदमियों ने ऐसी ऐसी बात कही है, फौरन यकीन नहीं किया बल्कि उनके पास आए, फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चुपचाप मानना है, चाहे वो आपके अक्ल के खिलाफ ही क्यों ना लगे।
دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالراہ لکان اسفل الخف اولا بالمسجد الاعلی وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفی رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الطہارہ کے اندر ہے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی ابن ابی طالب ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا آدمی موزہ پہن لے وضو بنا کر کے پہنے برابر ہے وضو بنا کر کے وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے اگر گاؤں میں ہے مقیم ہے تو ایک دن ایک رات اور مسافر ہے تو تین دن تین رات موزے پر مسا کر سکتا ہے مسا کہاں سے کرے گا اوپر سے ایسے کرے گا نیچے سے نہیں حالانکہ عقل کیا کہتی ہے گندگی نیچے ہوتی ہے لہذا مسا نیچے سے ہونا چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسا اوپر سے ہونا چاہیے حضرت علی نے فرمایا اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا اس لیے کہ عقل یہ کہتی کہ گندگی جہاں وہاں صاف کیا جائے یہاں گندگی لگ رہی نیچے اور مسا کروایا جائے اوپر سے یہ تو عقل کے خلاف ہے اور کہہ رہے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے رائٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ظاہر ہے کہ آپ اپنے موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے دائرے ہی میں رہ کر کے مسئلہ بیان کرنا ہے اور آدمی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز بھول گئے قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل حدیثوں کے اندر موجود ہے غور کرنے کی ضرورت ہے ابھی حال ہی میں سال ڈیڑھ سال پہلے حاجی چونکہ اب 25 لاکھ 30 لاکھ تک ہو جاتے ہیں لہٰذا رنگ جماعت کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے شیطان کو کنکری مارتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے تو سعودی حکومت نے یہ چاہا کہ 2-3 فلور بنا دیے جائیں کچھ لوگ نیچے سے کریں کچھ لوگ دوسرے فلور پہلے فلور سے کریں اس کے بعد کچھ لوگ دوسرے فلور سے کریں کچھ لوگ تیسرے فلور سے کریں 2-3 فلورز بنا دیے جائیں تو لوگ نیچے سے بھی کریں اور فلور پر سے بھی رمیہ جماعت کریں شیطان کو کنکری مارے اس لیے کہ 25-30 لاکھ آدمی اگر رمیہ جماعت کر رہے ہوں شیطان کو کنکری مار رہے ہوں تو اس میں تکلیف کی بات ہے اور یہ چیز باعث تکلیف ہے تمام علماء کرام نے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں سعودی کے تمام علماء نے کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے اللہ رحم فرمائے حضرت ابن باز کے اوپر اس وقت حیات تھے انہوں نے کہا کہ جائز ہے جائز ہے تمام علماء حیران تمام سعودی کے بڑے بڑے علماء حیران کہ ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ فلور بنانا جائز نہیں ہے رمی جمار کے لیے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے چاہے کتنی بھیڑ کیوں نہ ہو حضرت عبداللہ ابن باز نے فرمایا جائز ان سے پوچھا کہ دلیل کیا ہے انہوں نے دلیل پیش کی وہ دلیل پیش کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وان ابن جریج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ما يقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم في كتاب الحج حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسلم شریف کتاب الحج کے اندر لایا راوی حضرت جابر بن عبد الله حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں اور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ نیچے کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکری نہیں مار رہے ہیں بلکہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے کنکری مار رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ نیچے سے کھڑے ہو کر کے بھی آدمی کنکری مار سکتا فلور بنا کے دے تو فلور کے اوپر سے بھی آدمی رمی کر سکتا ایسے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اسی وجہ سے اب فلورز بنائے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ 2 فلور یا 1 فلور بن چکا ہے یہ حضرت ابن باز رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث پیش کی اس کے آئینے میں یہ بات کہی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم بڑی اتباع رسول کے بارے میں بڑے سیریس ہے اگر کوئی آدمی اتباع رسول کے خلاف کچھ کرتا ہوا دکھائی دے فوراً اس سے بات چیت تو بند کر دیں اگر کہنے کے بعد بھی نہیں مانا گیا اتباع رسول کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ بن مغفل انہ رعا رجل یخزف فقرر لا تخزف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہا عن الخزف او کان یکرہ الخزف وقال
इन्नहु ला युसादु बिहि सैदुन वला युकदि अदुवुन वलकिन्ना कब तक्सिरु सिन्न व तफ़कुल ऐन थुम्मा राहु बाद ज़ालिक यख़्ज़िफ़ फ़क़ाल लहु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तख़्ज़िफ़ فَإِنَّهُ نَهَا عَنِ الْخَصْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَصْفَ وَأَنْتَ تَخْزِبُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَا عَنِ الْخَصْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَصْفَ وَأَنْتَ تَخْزِبُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا رواه أبو داود كتاب حضرت عبد الله بن مغفل کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کنکریاں مار رہا ہے ऐसे फेंक रहा है, ये डेला उठाया है हमारा, ये डेला फेंक रहा है, ऐसे डेला फेंक रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि मुझसे देखा न गया झील के पानी का सुकून, क्या बोलता है, मुझसे देखा न गया झील के पानी का सुकून, मेरी आदत है कि बैठा हुआ पत्थर फेंकूं। कुछ आदत होती है कुछ लोगों की, कुछ कार्य कर रही है, मुझसे देखा न गया आदमी तालाब के किनारे बैठा हुआ चुपचाप बैठा रहेगा पत्थर उड़ा उड़ा करके मारता रहता है, इसलिए कि तालाब का पानी झील का पानी साकित होता है तो ये सुकून उसको चलता नहीं, हलचल होना चाहिए, लोग आराम से नहीं रहने चाहिए, कुछ ना कुछ खलफजार होना चाहिए। ऐसे होता है हमारे देश के अंदर नेताओं का, क्या सुकून नहीं देखना चाहते हो, कुछ ना कुछ करते ही रहते, फसाद के नाम पर, इसके नाम पर, घोटालों के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए ताकि आवाम परेशान न रहे। शायद ने बहुत अच्छा कहा, मुझसे देखा न गया झील के पानी का सुकून, मेरी आदत है कि बैठा हुआ पत्थर फेंकू, ये आदत होती है कुछ लोगों की, अल्लाह रहम करे इन लोगों पर। तो ये आदमी बैठा हुआ कंकरी मार रहा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल ने कहा ला तख़्ज़िब, ये कंकरी मत फेंक। जैसे आजकल के लड़के होते हैं कि रास्ते में बैट बॉल लेकर के खड़े हो जाते हैं, खेलते रहते, अरे भाई किसी औरत को बॉल लग सकता है, बैट लग सकता है, गिल्ली डंडा खेलते रहते, वो पत्थर फेंकते रहते, किसी को भी लग सकता है, वो माने कैसे, बाकायदा बच्चों को रोकिए कि रास्ते में इस तरीके की हरकत करें, किसी को भी तकलीफ हो सकती है। इसी तरीके से पतंग उड़ा रहे, अरे भाई पतंग का डोरा अगर किसी के कान में आ गया और आपने मारा खींच लगे उस कान ना कट जाए, तो इस तरीके से मना किया गया कि इस तरीके की हरकत रास्ते में नहीं होना चाहिए। तो ये आदमी कंकरी फेंक रहा था, उसे मना किया गया ला तख़्ज़िब कंकरी मत फेंक, और उन्होंने कहा इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, फ़इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद नहा अनिल ख़स्फ़, खामखा कंकरी फेंकने से मना किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने ये बात कही इन्नहु ला युसादु बिहि सैदुन, कंकरी फेंकने से तो शिकार नहीं किया जा सकता, वला उनका भी अदू उन किसी दुश्मन को तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती, हाँ एक नुकसान हो सकता है, क्या, वलाकिन्ना तब तक सिरुसन सिम व तफ़कौल, किसी की आँख फूट सकती है, किसी का दांत फूट सकता है, वलाकिन्ना तब तक सिरुसन व तफ़कौल, किसी की आँख फूट सकती है, किसी के दांत फूट सकते हैं, बस यही हो सकता है खामखा ढेला फेंकने से, कहकर के आप चले गए। उस आदमी ने सुना भी तुम मरा बाट दे रही, फिर आपने देखा कि दोबारा एक मकान के ऊपर वैसे करके निकला, हाँ गुस्से में आ गए, कहा वो हद्दे सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अनिल खस्फ व करिहल खस्फ व अन्त तख़्ज़िब ला उकल्लिमुक कदा वकदा, मैंने तो उससे हदीस रसूल बयान कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी फेंकने से बिना वजह मना किया, उसके बाद हदीस सुनने के बाद हदीस की इत्तबा करने के बाद दोबारा तू कंकरी फेंका, ला उकल्लिमुक कदा वकदा, मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। देखिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला ने कितने सीरियस होते थे इत्तबाए रसूल के ताल्लुक से, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया दे दी। आज हम एक दुकान के लिए तरसते, एक मकान के लिए तरसते, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नशीनों को, ऊंट चराने वालों को पूरी दुनिया हवाले कर दी। आपको मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरा जज़ीरतुल अरब फतेह हो गया, हजरत अबू बकर के जमाने में पूरा जज़ीरतुल अरब और ये पूरा इराक फतेह हो गया था, हजरत उमर के जमाने में जानते हैं कितनी फतवा थी, मिस्र हाथ में आ गया पूरा मिस्र, और हजरत उमर के जमाने में पूरा ईरान हाथ में आ गया, इसका भाग करके साकारी चीन के पास चला गया, पूरा ईरान हाथ में आ गया, पूरा मिस्र हाथ में आ गया, जज़ीरतुल अरब हाथ में आ गया, इराक हाथ में आ गया, और अल्लाह ताला ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को इत्तबाए रसूल की वजह से पूरी दुनिया में हवाले कर दी। आज हम एक दुकान को तरसते, अल्लाह ने फरमाया इत्तबाए रसूल करो, हम पूरी दुनिया तुम्हारे हवाले कर देते। और एक बात बोलता हूँ, आज दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं कहता हूँ दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज मिलकर के एक सहाबी जैसा इंसान बनाना चाहिए, नहीं बना सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहब हैं, 124,000 से ज्यादा है, अल्लाहू अकबर। और स्कूल कैसा है, मस्जिद नबी, जिसमें बहुत दिनों तक दरवाजा नहीं लगा था, कुत्ते आते तो घूमते रहते, और
ऊपर छत खजूर के पत्तों की, लेकिन पढ़ाई कैसी होती थी? अगर किसी सूबे का सीएम बना दिया गया तो सीएम है, गवर्नर बना दिया तो गवर्नर है, काजी बना दिया गया तो काजी है, और चीफ जस्टिस बना दिया गया तो चीफ जस्टिस है। नर्सरी ऑफ हीरोज, हीरो लोगों की नर्सरी। अल्लाह, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज मिलकर के सहाबी नहीं बना सकती, सहाबी जैसा इंसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तारीफ दी है, इस तरीके का सहाबी होता है। और ये रुतबा कैसे हासिल हुआ? इत्तबाए रसूल की वजह से, इत्तबाए रसूल की सबक से। चाहता है एक और हदीस आपके सामने पेश करो, एक लंबी सी हदीस है, उसके बाद को खत्म करता हूं। हदीस हदीस इस तरह, वान इब्ने शहाब कॉल अखबारनी उरवत इब्न ज़ुबैर ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان ابا بكر قال لست تارك شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به واني لا اخشى ان ترك شيئا من امره ان ازيغ قال الشيخ هذا يا اخواني الصديق الاكبر يتخوف على نفسه الزيغ ان هو خالف شيئا من امر نبيه فماذا عسى ان يكون من زمان ازاء اهله يستهزئون بنبيه وبامره ويسخرون ويتباهون بمخالفته وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ نَسْأَلُ اللَّهَ إِسْبَتًا مِنَ الزَّلَلِ وَنَجَاتًا مِنْ سُوءِ الْعَمَلِ رَوَاهُ ابْنُ بَطُّطَ فِي عِبَادَةِ الْكُبْرَى حضرت امام ابن بطُّطَ نے صحیح حدیث کو عبادت الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ایک صفحے کے اوپر پوری روایت میں پوری پڑھ دی حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ پوری سند ہے حضرت ابو بکر نے کہا میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں جس پر رسول کا عمل تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول کے اس عمل کو چھوڑ دوں گمراہ ہو جاؤں شیخ یہ فرما رہے ہیں دیکھو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں رسول کے کسی عمل کو چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں تو بتائیے کیا حال ہوگا اس زمانے کا جس میں فمادا عسا یکون من زمان اس زمانے کا عسا ابو یستہزئون بنبیہم اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے وہ بے عوام رہی اور آپ کے احکام کا آپ کے حکموں کا مذاق اڑائیں گے وہ یتباہون بے مخالفت یہی نہیں بلکہ رسول کی مخالفت پر فخر کریں گے دیکھو رفع الید کرنے والوں کو ہم نے کہہ دیا مکھی جا رہا ہے آمین بالجہر کہنے والوں کو بول دیا کہ تھامو زمین آمین تو کہتے تھامو زمین اس طرح یتباہون بے مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کریں گے ویسخرون بسنتی رسول کی سنت کے مذاق اڑائیں گے نسأل اللہ عصمت من الزلل ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں محفوظ رکھے گمرہی سے بنا جاتا من سوء عمل یہ دعا کر رہے ہیں شیخ کہ برے عمل سے خراب عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بات اگر کوئی بات چھوڑ دوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں گمراہ نہ کرو بتائیے چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر نہ کی گئی تو اس کے علاوہ گمرہی کے سوا کچھ نہیں یہ اتباع رسول کے اوپر چند بکھری ہوئی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے سبق کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین